जगदूत न्यूज में देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए आज की खास खबरें। केंद्र सरकार की परंपरागत पेशा के पुनर्जीवित करने की महत्वपूर्ण योजना कुम्हार सशक्तिकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर संबंधित पेशा से जुड़े लोगों से संपर्क कर स्थानों का भ्रमण किया, जिसमें कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन व अन्य सामानों को बनाने वाले कारीगर कुम्हार पेशा से जुड़े लोगों को सरकारी योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जानकारी दी। खगड़िया जिला में योजना अंतर्गत 40 सोलर इलेक्ट्रिक चालित चाक वितरित किए जाएंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जिला समन्वय गोपाल कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि 5 कुम्हारों की टीम को अत्याधुनिक तकनीकी एवं आभूषण तथा खिलौनों बनाने के प्रशिक्षण देते हुए राजस्थान भेजा जाएगा। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने भ्रमण के दौरान एक कुम्हार के यहाँ मिट्टी की प्याले भी बनाने की कोशिश की। आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे जिला अधिकारी स्वयं इलेक्ट्रिक चलित चाक पर मिट्टी के प्याले बना रहे हैं और अनुभव भी ले रहे हैं। इस कार्य को देखकर गांव के लोगों में उत्साह भर गया। वहीं सभी ने विस्तृत जानकारी भी ली। इस मौके पर सभी लोग उपस्थित होकर काफ़ी खुश नजर आए। जिलाधिकारी ने गोगरी अनुमंडल के काजी चक मदारपुर गोविंदपुर समसपुर और गोगरी के गांवों का भ्रमण किया। गोगरी पहुंचकर जिलाधिकारी ने खगड़िया जिला ग्रामोद्योग संघ का जायजा लिया एवं उसे पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का भरोसा भी दिया। संघ के अंतर्गत बंद पड़े इकाइयों को पुनः प्रारंभ करने का निर्देश संघ के पदाधिकारियों को भी दिया। वहीं जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना अंतर्गत क्लस्टर गठित करने के उद्देश्य से मानसी का दौरा किया एवं महाप्रबंधक को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अभिनंदन कुमार सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमर कुमार और विजय कुमार सहनी के साथ मदारपुर व झिटकिया पंचायत के मुखिया व ग्रामवासी, खादी संघ के निताई कुमार और कुम्हार पेशा से जुड़े लोग कुंदन पंडित, ध्रुव रोशन, प्रकाश पंडित, शंकर पंडित, इंदु देवी इत्यादि लोगों ने जमकर जानकारी ली और इनका लाभ उठाया और खास जानकारी ली।